हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी। तो आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं और चाहें तो ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और अब मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाई हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने भिंडी को देखिए धोकर एक कॉटन के कपड़े पर कुछ टाइम के लिए रख दिया था, जिससे कि इनका सारा पानी सूख जाए, क्योंकि अगर हम साथ के साथ धोकर भिंडी आते हैं तो भिंडी हमारे चिपचिपी बनती हैं। तो ये सूख गई हैं अच्छे से। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में ले ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने भिंडी के मसाले के लिए क्या क्या लिया। ये मैंने मोटी मोटी काट के प्याज ले ली है, ये मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा अदरक। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भिंडी को किस तरीके से काटना है। ये देखिए भिंडी के आगे और पीछे वाला पार्ट निकाल के बीच से इस तरीके से लगा लेना है। भिंडी को बिल्कुल अलग नहीं करना है, वो जॉइंट रहनी चाहिए बस। जैसे कि हम भरवा मिर्च बनाते हैं उस तरीके की हमें एक बीच में कट लगाना है, जिससे कि उसमें अच्छे से मसाला भर जाए। तो ये देखिए अब हमारी सारी ये भिंडी तैयार है। तो अब हम इनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में मैं सबसे पहले डाल दूँगी नमक। देखिए जितनी आपकी भिंडी हैं उसी हिसाब से नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर ज़्यादा डालना है, कम से कम 2 से 2.5 चम्मच। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें हींग। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये सूखा मसाला तैयार है भिंडी में भरने के लिए। ये देखिए ये मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए अब भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से बीच से खोल कर भिंडी में हम मसाला डाल देंगे और इसी तरीके से अपनी सारी भिंडियों को हम मसाला भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी भिंडी मसाले से तैयार है। तो अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मसाला तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली है प्याज। प्याज को डाल दूंगी मिक्सी के जार में और ये मैंने लहसुन अदरक और साबुत लाल मिर्च। देखिए अब इसमें हम हल्के से मसाले डाल लेंगे, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक हम डाल चुके हैं, नमक मसाले सब। बस हम प्याज और लहसुन पेस्ट के अकॉर्डिंग ही मसाले डालेंगे। अभी देखिए मैंने इसमें सारे मसाले डाले हैं। देखिए मैं इसमें जीरा डालना पहले भूल गई थी, बाद में डाला था, तो आप इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल लीजिए। साबुत जीरा डालने से मसाले में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए मैंने दरदरा मसाला तैयार कर लिया है। तो चलिए अब भिंडी फ्राई करने की तैयारी करते हैं। भिंडी फ्राई करने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें चढ़ा लूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। अब तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद सबसे पहले डाल देंगे हम उसमें अजवाइन। देखिए भिंडी अजवाइन से ही फ्राई की जाती हैं। हर सब्ज़ी का टेस्ट अलग होता है, तो उसको हर सब्ज़ी को अलग तरीके से फ्राई किया जाता है। तो भिंडी का टेस्ट अजवाइन से फ्राई करने में ही आता है। तो अजवाइन डाल दिए। अब इसके बाद डाल दूँगी मैं अपना पेस्ट। पेस्ट को डालने के बाद हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। देखिए लोहे की कढ़ाई हैवी होती है, तो ये एक बार गर्म होने के बाद इसमें मसाला अच्छे से भून जाता है, तो मीडियम फ्लेम पर ही हमारा काम चल जाता है। तो इस तरीके से इसको भूनते रहिए। तो ये देखिए अब हमारे मसाले ने अच्छे से चिकनाई छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये भुन गया है। तो इसमें डाल देंगे हम अपनी भिंडी और भिंडी को डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक देंगे एक प्लेट। प्लेट ढकने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए
मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे और ये एक भाप में ही हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी। तो अब हमने ये ढक्कन बंद कर दिया है, 5 से 7 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे अपनी भिंडी। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी भिंडी तैयार है। ये देखिए हमारी भिंडी तैयार है। अब इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक ऐसे खुली हम चला देंगे इसको। देखिए जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने के बाद उसे साथ के साथ सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए, नहीं तो हमारी सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए अब हमारी भिंडी तैयार है। आप चाहें तो इन्हें गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।